YouTube चैनल व्लॉग्स रोल पे को फिर से आप सभी का स्वागत है गाइस। तो ये है ओयो रूम और यहाँ पे मैंने एक दिन का कम से कम 1500 रुपये दिया हुआ है। काफ़ी महंगा है यहाँ पे बिलासपुर में ओयो रूम। ऑनलाइन भी मैंने देखा था तो ऑनलाइन में भी काफ़ी महंगा बता रहा था। यहाँ पे लॉज वगैरह भी है जहाँ पे आप 400-500 रुपये में भी रुक सकते हैं। गोल बाजार मार्केट, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो बिलासपुर का मार्केट देखने वाला हूँ। तो चलिए निकलते हैं। ये लिफ्ट आ चुकी है, अब एंट्री लेते हैं लिफ्ट में। ये ग्राउंड फ्लोर है, चले ये घूमना है बस। ये है गाइस ग्राउंड फ्लोर है ये। यहाँ का रौनक देखिए काफ़ी शानदार सा है। मॉल का रौनक इस साइड में है, पूरे स्टॉफ लगे हुए हैं। किधर चलना है अपने को गाइस? तो ये मॉल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कितने भिलाई के मॉल से ये सही लग रहा है गाइस। तो ये मॉल काफ़ी सुंदर सा है। अब चलिए आप चलते हैं, बाकी स्क्रीन देखिए कितने हाइट में पूरा बना हुआ है मॉल है। बिग बाज़ार देखते हैं, बिग बाज़ार में क्या ऑफर चल रहा है। तो अभी हम लोग बिग बाज़ार में घुस गए हैं और यहाँ पे आप बस टहल रहे हैं, लेना तो कुछ है नहीं, बस देख रहे हैं अपन गाइस। तो ये है पूरा बिग बाज़ार, देखिए काफ़ी सारे सामाने हैं यहाँ पे जो अपन खरीद सकते हैं डेली रूटीन के लिए। तो यहाँ पे जितने भी क्रीम आते हैं, वैसलीन हो गया, बॉडी लोशन हो गया, ये सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, पूरा सजा के रखे हुए हैं। ये बात कलर करने का है, काफ़ी सही है भाई। यहाँ पे वैसे पूरा सन्नाटा है भाई, बिग बाज़ार बहुत ही गिने चुने ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर पिल्लो का रेट है ये बहुत सारे यहाँ पे। बाकी गाइस मज़ा आ रहे हैं, बस देख रहे हैं इधर उधर गाइस। तो ये है पूरा बिग बाज़ार का एरिया। वैसे तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ भी, अभी कोई स्कीम नहीं चल रहा करके, बहुत खाली खाली सा है और कोविड का सिचुएशन है करके। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और ये मैं हूँ, पेट निकल गया मेरा थोड़ा सा। गर्ल्स लोगों के लिए है टी शर्ट वगैरह गाइस। तो काफ़ी सारे यहाँ पर शॉप हैं, ब्रांडेड शॉप है यहाँ पर। और सबसे खुशी की बात यह है कि भाई यहाँ पे KFC है, ये देखिए ओपन है। मन तो कर रहा खाने का, आप पूछते हैं भाई लोग से KFC खाएंगे कि नहीं। बाकी ये जो नज़ारे हैं ये मस्त लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर सा बनाया हुआ है, मोगली बना हुआ है। सामने से दिखाते हैं और ये पूरे शॉप है, यहाँ से हम लोग आए हुए हैं। ये है ये भाई भालू बने हुए हैं, यहाँ पे मोगली है जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ऊपर में चिड़िया का घोंसला भी बना हुआ है, सही है भाई। बड़े बड़े जो कंपनी है ना उसके शॉप हैं, कुछ भी खरीदना है आपको तो यहाँ पे विजिट करिए, खरीदिए। आपके पास में अगर भरपूर पैसा है तो ट्रेंड्स ये है। ऊपर में हम लोग गए हुए थे, ऊपर से हम लोग नीचे आए हैं गाइस। तो जहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ से है एंट्री गेट है, अगर आप पैदल पैदल आते हो तो यहाँ से एंट्री गेट है। एडिडास का यहाँ पे शूज़ भी है भाई, ये है बॉयज़ के लिए। वाह क्या नज़ारे हैं अंदर के, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर का माहौल देखते हैं मॉल का, बहुत सही बना हुआ है मॉल। साफ़ सफाई भी एकदम तगड़ा है और यहाँ पे खाने पीने का मॉल में। और क्या देखने को मिलेंगे, यही सब आपको देखने को मिलेंगे, कपड़े लगते खिलौने। बस घूमते रहिए मॉल, एंजॉय करिए। जगह जगह पे इस तरह से सीढ़ी दी गई है जो ऑटोमेटिक ऊपर लेके जाती है,
और ये सब ब्रांडेड कपड़े हैं, और ये बच्चों के लिए, इसमें से एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे जा रहा है। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का व्यू दिखलाते हैं। ये देखो द्विवेदी भाई चले गए हैं, तारनी भी चली गई है, और हम भी जाने वाले हैं, बाकी छोटा सा बच्चा। ये अच्छी सीढ़ी दी गई है भाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस खड़े रहो और ऑटोमेटिक ऊपर। और ये है पूरा ऊपर का नज़ारा, जूते ही जूते नज़र आ रहे हैं चारों तरफ हमें, बैग के शॉप हैं यहाँ पे, गर्ल्स के लिए कपड़े लगते हैं, वहाँ पे है ज्वेलर की दुकान, और ये बॉयज़ के लिए सहवानी, बाय वन गेट वन फ्री, क्या बात है, बाय वन गेट वन फ्री है। यहाँ पे थिएटर वगैरह है कि नहीं है नहीं पता। पूरा सोना चांदी वांदी का, पूरे चॉकलेट, ये आइसक्रीम पॉपकॉर्न का है शॉप, सैंडल के भी हैं यहाँ पे, क्या चकाचौंध है भाई, लाइटिंग है चारों तरफ। और ये है सैंडल 299 का, और यहाँ पे पाचक का जितने भी आइटम आते हैं वो है ये भी मस्त खुले हुए हैं। और उस साइड भी है बहुत सारे वीआईपी के शॉप, ऊपर में भी है टैटू KFC। यहाँ पे दो है KFC, एक नीचे में है और एक ऊपर में है। अच्छा वही है क्या, मैं बोला दो कैसे खोल दिया भाई एक मॉल में। सही है, ये वाला शॉप है पेंटल्स। यहाँ पर तो चूड़ी कंगन क्या खूबसूरत सा सजा के रखे हुए भाई, बेहतरीन सजा के रखे हुए हैं। झुमके चूड़ी, वाह, एक से एक सजे हुए हैं। चलो अब इस साइड चलते हैं। वैसे कोविड के सिचुएशन है, उसके बावजूद भी लोग आए हैं मॉल पे घूमने के लिए, नहीं तो सिचुएशन जब नॉर्मल था उस समय तो काफ़ी भीड़ रहता होगा। जैसे अपने रायपुर में मैग्नेटो मॉल है, एनी टाइम भीड़ रहता है। अभी हम लोग इसके ऊपर वाला में जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर का PVR। अच्छा सबसे लास्ट में ही दे दिया PVR, खुल जा से इनसे खुल गया। चलो भाई साहब, तो यहाँ पे थिएटर है PVR, लेकिन बंद है, थिएटर वगैरह तो पूरे बंद है ना, थिएटर का कोई महत्व ही नहीं है अभी फ़िलहाल। और ये क्या चीज़ है, ये क्या है भाई, पब बार है क्या है, क्या बात है, पब बार है भाई साहब। ये पर्स के शॉप हैं, चाय पीने का। हाँ ग्वालियर में भी ऐसी था सेम, ये हम लोग हैं ग्वालियर में भी सेम ऐसी मॉल बना हुआ है, इस तरह से चेयर दिए हुए हैं, बस जहाँ मन कर रहा वहाँ पे बैठ के खाओ। यहाँ पे है औरल भाई साहब, अंदर की किसी भी मशीन को छूनते हुए 1000 रुपये का जुर्माना। बाकी गाइस यहाँ पे देखो, बाल स्ट्रेट कराने हो तो यहाँ पे खुले हुए हैं भाई पार्लर वगैरह, 99 हेयर कटिंग, क्या बात है, सही है भाई। गाइस तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं।